बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपना लेक्चर जो है उसको कंटिन्यू करना है। हमने डीमैग्नेटाइजेशन पे प्रीवियस वीडियो तक स्टॉप किया, वहाँ से आगे हम देखते हैं व्हाट इज़ कंपस। कंपस क्या है? कंपस एक ऐसी डिवाइस है जो डायरेक्शन को इंडिकेट करती है, जिसमें हम लोगों ने किसी पोल की डायरेक्शन देखनी हो तो हम कंपस को यूज़ कर सकते हैं। ये कंपस फर्स्ट टाइम किसने यूज़ किया था? रॉबर्ट पेरे ने नॉर्थ पोल तक पहुँचने के लिए इस कंपस को यूज़ किया था, और उसने फर्स्ट टाइम ये इस डिवाइस को यूज़ किया था डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए। अगेन रिपीट करूँ, कंपस क्या होता है? कंपस वो डिवाइस है जिसको हम डायरेक्शन के इंडिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। कहीं डायरेक्शन को इंडिकेट करना हो तो हम वहाँ पर कंपस को यूज़ करते हैं। और ये जो है फर्स्ट टाइम एक साइंटिस्ट ने जिसने यूज़ किया था, रॉबर्ट पेरी उसका नाम था, जिसने नॉर्थ पोल जो है उसको इंडिकेट करने के लिए, उसकी डायरेक्शन देखने के लिए कंपस को यूज़ किया था। हम ये भी देखते हैं कि कंपस को हम कैसे बना सकते हैं सिंपली। तो हमें क्या चीज़ चाहिए होगी? एक बाउल हो वाटर का, एक कॉर्क हो, एक सीविंग नीडल हो, कोई भी सुई हो सकती है। हम इससे कंपस बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? देखें, सबसे पहले हम लोगों को उस नीडल के साथ क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को उसको मैग्नेटिक उस पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। वो कैसे करनी पड़ेगी? पहले हमें नीडल को 50 टाइम तकरीबन जो है मैग्नेटिक किसी भी मैग्नेट के साथ रब करेंगे ना, तो वो उसके अंदर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। फिर जब इसी मैग्नेटाइज नीडल को हम कॉर्क के ऊपर रखेंगे, पीस ऑफ कॉर्क हो कोई भी, और उससे हम फौरन से जेंटली किस में रख देंगे, पानी के अंदर रख देंगे। एकदम से जब हम उसे पानी में रखेंगे तो नीडल जो है टर्न कर जाएगी, और जहाँ पर वो स्टॉप करेगी वो पॉइंट होगा नॉर्थ पोल। मीन्स अगेन रिपीट करूँ, हमें कंपस बनाने के लिए एक बाउल वाटर का चाहिए, बाउल चाहिए जिसमें पानी हो, उसके साथ हमें एक कॉर्क और एक नीडल चाहिए, सीविंग नीडल। जब हम उस नीडल को रब करेंगे किसी भी मैग्नेट के साथ, वो हम लोग फ्रिज डोर के साथ भी रब कर सकते हैं, तो वो क्या होगा, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। जब हम कॉर्क के ऊपर उसे रखेंगे, उसके बाद एकदम से हम उसे पानी के अंदर रख देंगे, तो मीन्स नीडल जो है एकदम से उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई भी होगी, तो वो फौरन से अपनी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ पोल की तरफ ले जाएगी। तो इस तरह से हम अब सिंपली जो है कंपस को बना सकते हैं। उसके बाद मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊं जहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज हुए हैं। अब आप यहां देखें, फ्लो ऑफ चार्जेस मींस कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज हुई होगी जो इस ट्रेन को रन करने में यूज हो रही होगी। इसके अलावा जहां पर ये देखें एक पटरी होती है, रेलिंग होती है, वहां पर कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज होते हैं, देखें वो रन करती है, उसकी फील्ड प्रोड्यूस होती है, वो फिक्स पॉइंट से जा रही होती है, एक एक स्टेप उसका आ रहा होता है, वो सब किसकी वजह से हो रहा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की वजह से हो रहा है। फिर उसके अलावा ये देख लें, मेडिसिन की फील्ड में यूज़ हो रही होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, कोई ये जैसे MRI या CT स्कैन्स वगैरह की मशीनें, एक्सरेज की, वहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड्स को जनरेट किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू, वहाँ पर भी इसकी एप्लीकेशन है। उसके अलावा जो है टोस्टर घर में यूज़ होता है, वो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है की वजह, और वो रन किस से हो रहा है, इलेक्ट्रिकसिटी से हो रहा है। इट्स मींस जहाँ पर इलेक्ट्रिकसिटी और मैग्नेट कंबाइन वर्क करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग करंट का फ्लो देते हैं, चार्जेस का फ्लो देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो देते हैं, वो जो है उसे इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है। आई होप आपको मेरे लेक्चर की समझ आ गई होगी। किसी पॉइंट पे कोई इशू है, किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।